स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, सब्जेक्ट कोड I-303। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर GSHS जो कि लूप गेन कहलाता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको एक ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको पोल जीरो फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के अपॉन एस प्लस ए वन प्लस एस प्लस ए टू लाइक दिस। एस जे एक टर्म ऐसी होगी जिसमें केवल एस की वैल्यू, एस अकेले फॉर्म में होगा, इसको अपन बोलते हैं कि जीरो पे पोल कितने हैं। जे इज द नंबर ऑफ पोल्स एट जीरो। तो देखें कि दोनों फॉर्म से अपन ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लूप ट्रांसफर फंक्शन को, और इसमें देखेंगे कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं। जे है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, तो वो डिसाइड करेगा कि टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है। अगर जे की वैल्यू जीरो है तो टाइप जीरो कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, जे की वैल्यू वन है तो टाइप वन कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, जे की वैल्यू टू है तो टाइप टू कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, या जे की कोई भी वैल्यू हो, कोई के हो मान लीजिए, तो टाइप के सिस्टम कहलाएगा। तो टाइप ऑफ सिस्टम कहलाता है द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। जे इज बेसिकली द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यही कहलाता है टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या डिसाइड करेगा? स्टेडी स्टेट एरर जो है वो टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड करेगी और इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करेगी। तो अपन जब कैलकुलेट करेंगे स्टेडी स्टेट एरर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के लिए और डिफरेंट इनपुट सिग्नल के लिए, तो देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर किस तरह से चेंज होती है या किस तरह से उसका ट्रेंड दिखाई देता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।